जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने डिजिटल मास्टर चैनल पे। मैं आकाश शर्मा आप सभी के लिए आज संस्कृत के बारे में कुछ बात बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ साथियों, ये तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृत हमारी देवभाषा है, सबसे पुरानी और सबसे ऐतिहासिक भाषा है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश के बड़े बड़े धर्म और वहाँ के धर्माचार्य भी इस बात को मानते हैं कि अगर दुनिया में सबसे पहले अगर कोई भाषा उत्पन्न हुई थी तो हमारी देवभाषा संस्कृत उत्पन्न हुई थी। साथियों, मैं समझता हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो भर्ती परीक्षा की तैयारी करने जा रहे लड़के लोग भी अगर देख रहे हैं, संस्कृत में अगर वो जुटे हैं, कुछ करने का उनमें इरादा है, तो वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखें। इसके अलावा क्लास 6 से लेकर क्लास 10th के स्टूडेंट्स विशेष रूप से मेरे इस वीडियो को देखें, क्योंकि साथियों आज जो कुछ बातें मैं आपको सिखाने बताने जा रहा हूँ इससे आप संस्कृत को सीखने को लेकर तत्पर होंगे और आप संस्कृत को बड़ा ईजी तरीके से ले पाएंगे। जी हाँ साथियों, अक्सर बच्चों को ये लगा रहता है कि संस्कृत जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन भाषा है, इसको कैसे समझें, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे कवर करेंगे। कुछ बच्चों के मन में यही सब शंकाएं उत्पन्न होती रहती है, विशेषकर स्कूली बच्चों के हिसाब से। स्कूल के जो बच्चे हैं वो केवल केवल बहुत कहते हुए मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है कि वो खाना पूर्ति केवल एक तरह से फॉर्मेलिटी करने के लिए ही संस्कृत पढ़ते हैं, उसका महत्व वो नहीं जानते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता उसका महत्व क्या है। साथियों, संस्कृत जो है हमारी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भाषा है। अब मैं आपको आज सिखाऊंगा एक तरीके, दो तीन बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जिसको अगर आप सुनेंगे और आप मेरे बताए अनुसार कोशिश करना चाहेंगे तो विशेषकर से क्लास 6 से क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं अलग अलग बोर्ड में, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग जितने भी हमारे राज्य हैं जहाँ पर बोर्ड के द्वारा संस्कृत भाषा चलाई जाती है, वो स्टूडेंट्स हमारे इस डिजिटल मास्टर चैनल को देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले उनको यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेशन देता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगर आप नए नवेले हैं, इस वीडियो पर आए हैं, तो आपको ये प्लेलिस्ट चेक करनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। साथियों, संस्कृत कैसे सीखें, अक्सर ये बात हमारे मन के अंदर चलती रहती है, तो मैं आपको बताता हूँ आपको संस्कृत सीखने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा वचन पर। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? वचन हमेशा संस्कृत में तीन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, दो लोग का द्विवचन, और बहुत सारे लोग होते हैं या तीन लोग या ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए होता है बहुवचन। आपको सबसे पहले वचन पर ध्यान देना आवश्यक होगा, जैसे कि आप इंग्लिश में या हिंदी में या अपनी तमाम दूसरी भाषाओं में सबसे पहले आप देखते हैं कि वचन कितने होते हैं, एक वचन को क्या बोला जाता है, द्विवचन को कैसे समझा जाता है, और बहुवचन जो है संस्कृत में इसको समझने के लिए आपको प्रयास करना होगा। इसके बाद आता है हमारे यहाँ पर लिंग। लिंग कितने होते हैं संस्कृत में? लिंग होते हैं तीन। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। तो आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के बारे में पहचानना चाहिए कि कौन सी वस्तु हैं, कौन से जीव स्त्रीलिंग में आते हैं, कौन से पुल्लिंग में आते हैं, कौन से जीव, कौन सी वस्तुएं नपुंसकलिंग में आती है। आपको लिंग का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं हम पुरुष के ऊपर। संस्कृत में पुरुष भी होते हैं तो वो तीन प्रकार के होते हैं। जी हाँ, अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार पुरुष तो एक ही तरह का होता है, ये तीन तरह के क्या होते हैं, लेकिन ये देवभाषा संस्कृत है, इसमें बहुत कुछ लिखा है, बहुत विस्तार से लिखा है और बहुत सरल अर्थ में लिखा होता है। तो पुरुष संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। उसके बाद में आता है मध्यम पुरुष और फिर आता है अंत में उत्तम पुरुष। तो तीन प्रकार के पुरुष का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। साथियों, वचन, लिंग और पुरुष का ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है। जब आप इन सब चीज़ों का पता कर पाएँ, पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, उसके बाद आप आगे बढ़ें और अगले स्टेप पे जाके आपको ध्यान देना होता है टेंस पे। टेंस यानी कि हिंदी में कहते हैं काल, इंग्लिश में कहते हैं टेंस, तो संस्कृत में कहते हैं लकार। जी हाँ, संस्कृत में 10 प्रकार के लकार होते हैं, तो इन 10 लकार के 10 के 10 आपको याद हो ये आवश्यक जरूरी भी नहीं है। आपको कम से कम एक शुरुआत में थोड़ा बहुत आप समझ पाएँ, लिख पाएँ, बोल पाएँ, इसके लिए अगर प्रयास करना है शुरुआत में, तो केवल 10 में से 3 लकारों का ही आप अध्ययन करें, आप 3 लकारों को ही समझकर उनको याद करने का प्रयास करें। 3 लकार में वर्तमान काल, जिसे कहा जाता है लट लकार। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान काल, लट लकार, भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस जो आप कहा जाता है जिसको, उसको कहते हैं लिट लकार, और उसके बाद में जो आता है भूतकाल यानी कि पास्ट, उसको कहते हैं लंग लकार। तो तीन प्रकार के लकार को आपको याद करना जरूरी है, वर्तमान काल यानी कि लट लकार, भविष्यकाल यानी कि लिट लकार, और उसके बाद में आते हैं आपके भूतकाल जो बीत चुका है उसे कहते हैं लंग लकार। जी हाँ, लंग लकार को भी आपको याद करना आवश्यक है।
ये तीन प्रकार के टेंस को अगर आपने याद कर लिया तो मैं समझता हूँ कि आपको संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत बनाने में और संस्कृत बोलने की प्रैक्टिस में काफ़ी हद तक सुविधा प्राप्त होगी। तो टेंस का जो याद करने का, समझने का, उनको याद करने का जो एक तरीका होना चाहिए वो आपका स्टेप नंबर दो होना चाहिए। जब आपको ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाए, कौन सी, पहली वाली पुरुष वचन और लिंग का ज्ञान, उसके बाद में आपको होना चाहिए टेंस का ज्ञान यानी लकारों का ज्ञान, तो उसके बाद आप तीसरे लेवल पर जाएं और जाकर के जो वर्ब होते हैं, क्रिया होती है ना बच्चों, धातु, उन धातुओं को याद करें आप। जैसे अलग अलग धातुओं को क्या बोलते हैं, जैसे पढ़ने को कौन सी धातु प्रयोग करते हैं हम, तो पढ़ने के लिए बोलते हैं पठ धातु। लिखने के लिए हम कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, तो लिखने के लिए लिख धातु चलती है। उसी प्रकार खाने के लिए, खाना तो आप सभी को पसंद होता ही है, तो खाने के लिए बच्चों खाद धातु चलती है। अलग अलग धातुएँ चलती हैं, आप लगभग 40-45 के आसपास उन धातुओं को याद करें। इसके अलावा 16 द्विकर्मक धातुएं भी होती है, तो उन 16 द्विकर्मक धातुओं को भी आपको याद करना है और अच्छे से समझना है, उसको पढ़ना है, और इन धातुओं को अलग अलग शब्दों को जब आप सीख लें तब तो आपको खुद को, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत में इसको प्रयोग में लाना जरूरी है बच्चों। इसलिए तीसरे स्टेप पर जाकर के आपको धातुओं के यानी कि वर्ब जो होती हैं, क्रियाओं का पता होना जरूरी होता है कि संस्कृत में किस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये तीन अगर आप कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका 60-70% तक लगभग काम आपका बन जाएगा। 70% काम अगर आपका बन गया तो उसके बाद आप जब लगातार इसका अभ्यास करेंगे तो आपके खुद के मन में एक नई रुचि उत्पन्न होगी इसको जानने की, इसको समझने की, इसको पढ़ने की, तो आप खुद संस्कृत के व्याकरण में बड़े स्तर पर जा करके तैयारी करना चाहेंगे। लेकिन विशेषकर हमारा ये वीडियो जो है ये स्कूली शिक्षा में पढ़ रहे बच्चों के लिए है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के लिए है। तो उन बच्चों को मैं विशेष रूप से यही सलाह देना चाहूँगा कि उनको तीन स्टेप का विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। और अगर कोई बड़े भर्ती परीक्षा के बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अगर चाहें कि भर्ती परीक्षा के साथ ही वो भी संस्कृत को एक प्रॉपरली तरीके से बोलना सीखना और पढ़ना जान पाएँ, अच्छे से बोलना सीखें, तो बच्चों साथियों आपको भी मेरे इन तीन सुझाव पर, तीन स्टेप पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में हम केवल आपको ये तीन मैंने जो तथ्य बताए हैं, सुझाव बताए हैं, आप शुरुआत इसी से करें। सबसे पहले आप इसी को अपने अमल करना शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे आपका काम स्वतः ही बनने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा कि आपको मेरे तीन सुझाव पसंद आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप अगर नए हैं तो हमारे डिजिटल मास्टर चैनल पर आएँ और अलग अलग क्लासेस के या अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लोग अगर आप देख रहे हैं, आप में से कोई है, तो इस चैनल को ज़रूर चेक करें। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें और अच्छे से अध्ययन करते रहें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।